चलिए आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। जीते सभी सदस्यों को भोपाल बुलाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने यह प्रयास शुरू कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष बने। जीते सदस्यों ने भोपाल में डेरा जमाया हुआ है और कांग्रेस के पास रही पवई नगर पंचायत में भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से अब आप देखिए, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं, बाड़ेबंदी की जा रही है और इसके चलते जीते हुए सदस्यों को भोपाल भी बुलाया गया है। ही नहीं है कांग्रेस, ना जिला पंचायत में है ना जनपद में है। अभी परिणाम 29 को आ जाएंगे तो सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। ना नगरी क्षेत्रों में है ना ग्रामीण क्षेत्रों में है। दोनों चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है और अभी जब पंचायतों के, जिला पंचायत और जनपद के परिणाम आएंगे तो साफ हो जाएगा। और नगरी निकाय के जो परिणाम आए हैं तो 350 नगरी निकाय के चुनाव हुए हैं और 350 नगरी निकाय के चुनाव में लगभग 300 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। तो करीब करीब कांग्रेस का सफाया नगरी निकाय के चुनाव में हो गया। अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है, कई जगह तो हमारे निर्विरोध होंगे और जहाँ थोड़ा बहुत अगर कहीं पर एकाध दो का कोई वो भी है तो लोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं और अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। ये जो पहले ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, भाजपा समर्थित पंच सरपंच जनपद जिले के जीते। अब जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना और उप सरपंच का चुनाव होना, उसमें भी लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। इसके बाद अभी चुनाव हुए नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के। नगर परिषद में हम 255 में से 231 में हमारे पार्षद बहुमत में, स्पष्ट बहुमत में हम जीत रहे हैं। नगर निगम में जरूर 16 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। एक निर्दलीय जीती कटनी की, वो भी भाजपा से बागी होकर लड़ी थी, भाजपा की जिले की मंत्री थी महिला मोर्चे की। और लेकिन बहुमत पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी के पास है। नगर निगम ग्वालियर में भी भाजपा का बहुमत है, नगर निगम अध्यक्ष भाजपा का बनेगा, सब समितियां भाजपा की बनेगी, कटनी में भी भाजपा की बनेगी, जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। तो पूरे प्रदेश ने कांग्रेस को नकार दिया, जनता ने पूरी तरह से, स्थानीय सरकार में भी। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अधिकांश सीटों पर, खासकर नगर परिषद, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा, 85% से ज़्यादा। ऐसे ही स्थान है पन्ना का पवई। वैसे तो पन्ना में 3 नगर परिषद थी, तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लेकिन पवई कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, जिसको इस बार भेदा। और ये सब लोग पवई से यहाँ पहुँचे हैं, अच्छे बहुमत के साथ मुलाकात करने पहुँचे वरिष्ठ नेताओं से। और आप देखिए, ये सिलसिला बीजेपी के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। क्या स्थितियाँ रही पवई में आप, और कितने लोग वहाँ से जीत के आए? 12 लोग जीते जी। पहले किसकी परिषद थी वहाँ? कांग्रेस की, और इसके पहले भाजपा की। तो इस बार 12 लोगों के अलावा और क्या, कितने कांग्रेस के, कितने लोग जीते? 4 लोग हैं कांग्रेस के। पिछली बार कितने थे? पिछले बार 11 लोग थे वो लोग कांग्रेस के जी। जो हमारे पन्ना जिले के ये हैं मंत्री महोदय वीरेंद्र प्रताप सिंह, इनका एक राउंड ही काफ़ी होता है, क्योंकि इनका मतलब इनका नाम विकास पुरुष के नाम से है। अच्छा। और अभी जब तक ये मतलब हमारी विधानसभा से रहे, पवई से, साफ पवई को कोई जानता नहीं था। एक तो जंगली क्षेत्र, पूरी पवई विधानसभा में एक भी रोडे नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तालाब नहीं थे, जो वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कराए। तो इनको विकास पुरुष की उपाधि हमारी पवई विधानसभा से है और ये आज भी हम लोगों की सुनते हैं, अच्छा काम करते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी पन्ना में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और आप देखिए, तमाम लोग पहुंचे हैं पवई से और ये सिलसिला बीजेपी के दफ्तर में कम से कम एक हफ्ते तक दिखाई देता रहेगा, क्योंकि इसमें कई जगह ऐसी भी है जहां कुछ लोगों को जोड़ना है और कुछ लोगों को तोड़ना है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।